यो द मैड नोमैड यहाँ पर आ गया अपने दोस्त के साथ रजत पुलावले। रजत अपना फ्रेंड है, यहाँ का मनाली में रहता है, मनाली का रहने वाला है। माउंटेनियरिंग कोर्स के वक्त दोस्ती हुई थी। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, 2015 की कहानी है और ये अब तारीख हो चुका है 25 तारीख, बर्थडे के एक दिन के बाद वाली तारीख। एक सेकेंड ना, हाँ तो बर्थडे के एक दिन बाद की तारीख है, 25 तारीख है। मैं युमथांग से चला था, युमथांग में मुझे बर्फ तो नहीं मिला पर मुझे वहाँ पर ह्यूज अलमाइटी माउंटेन्स मिले और उन सब पे बड़े बड़े फील्ड्स थे जिसमें बड़े बड़े फ्लैग्स लगे हुए थे, कलरफुल फ्लैग्स। बहुत ज़्यादा ठंड वेदर था, हल्की सी परत जमी थी बस आइस की, पर ऐसा स्नो तो नहीं था। और थोड़ा एक्सप्लोर करके देखा तो बाजू से बड़ी सी रिवर टीस्टा की ट्रिब्यूटरी जो थी वो बह रही थी। लाचुंग में इतना ज़्यादा प्यार मिला था कर्मा दीदी और उनकी फैमिली से, जहाँ पर हम ठहरे थे लाचुंग में, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। और युमथांग में जो एक प्रेम भाई नाम के दोस्त बने थे 0 पॉइंट पे, जब मैंने एक टोपी खरीदी थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि उनका एक दोस्त है जिसका नाम है अर्पण, जो एक फ्लोरिस्ट है, फूलों का कारोबार है, फूल का गुलदस्ता वगैरह बनाता है। देवलाली नाम का गाँव है, गैंगटॉक आने से थोड़ा पहले ही है, तो वहाँ पर चले जाना क्योंकि तेरी और अर्पण की बहुत ज़्यादा बनेगी, ऐसा वो प्रेम भाई ने मुझे बताया। मेरे तो ऐसा कुछ प्लान तो है नहीं, मैं तो घूम रहा हूँ, अच्छा खासा बर्थडे बन गया मेरा। सो वेरी हैप्पी, वेरी चीयरफुल, वेरी पॉजिटिव, फुल पावर। मैं जेटन को बोला कि देवलाली गांव के आसपास मुझे उतार देना, उसने मुझे उतार दिया, हमारा सी ऑफ हो गया। अब मैं देवलाली विलेज में लोगों को पूछ रहा हूँ कि नंबर वगैरह नहीं एक्सचेंज किया था कि अर्पण का क्या नंबर है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ था नहीं। तो मैं वहाँ पर दुकान वालों से पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर एक फ्लोरिस्ट की दुकान कहाँ पर है, अर्पण नाम का एक लड़का है जो इसी गांव का रहने वाला है और उसकी एक फूलों की दुकान है। तो सब लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर तो कोई फूल की दुकान नहीं, कोई गुलदस्ते की दुकान नहीं। वो पूरे स्ट्रेच को मैंने 4 बार वो पूरे मार्केट को नाप लिया, रात के 8 बजे के टाइम है ये, 7 से 8 बजे के बीच में, अर्पण तो मिला नहीं। बाद में एक ने बोला कि एक बहुत पहले फ्लोरिस्ट हुआ करता था, फूलों का उसका कारोबार था, जो फूलों का गुलदस्ता बनाता था, पर उसने बंद कर दिया। उसकी एज तो मतलब ऐसा 30 के ऊपर कुछ होगी। मैं बोला कि यार मैं तो मिला नहीं हूँ, मैं तो जानता नहीं। तो बोले तो फिर आप कैसे पूछ रहे हो उसके बारे में। मैं बोला भाई उसको कोई जानता है, मुझे किसी ने सजेस्ट किया उसके पास जाने के लिए। तो बोलता है कि ऐसा तो कोई फ्लोरिस्ट है नहीं इस गाँव में, कोई दुकान है नहीं, बहुत पहले एक फ्लोरिस्ट था, उसका घर मैं बता सकता हूँ। मैं बोला कि ठीक है मुझे लेके चलो। अब अर्पण को कोई क्ल्यू ही नहीं है कि प्रेम ने किसी को बताया, क्योंकि युमथांग में कोई नेटवर्क होता नहीं है, 0 पॉइंट पे वहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं है। तो प्रेम ने मुझे बता दिया प्रेम के अर्पण के पास जाना है। अर्पण को मैं नहीं जानता, अर्पण मुझे नहीं जानता, मुझे पता नहीं कि ये आदमी जो मुझे लेकर के जा रहा है किसी फ्लोरिस्ट के यहाँ पर, जो एक टाइम पे फ्लोरिस्ट हुआ करता था, क्या ये अर्पण का घर होगा? नो आइडिया, नो क्लू। रात के 8:30 बज रहे हैं, ये सिक्किम गैंगटॉक शहर में, शहर के पास के गाँव में। तो मैं पहुँच जाता हूँ, एक सीढ़ी होती है ऐसा लकड़ी की सीढ़ी होती है गली के अंदर से, वो बोलता है कि ये घर पे ऊपर जाओ, यही घर है। मैं बोला जाऊँ इसमें? बोला कि हाँ यही करे जाओ। मैं ऐसा करके जाता हूँ तो दो कुत्ते भौंकते हुए वो वो करके आ जाते मेरे पास। मैं डर के वहाँ पर रुक जाता हूँ। उतने में एक 13-14 साल की लड़की आती है, वो उसको छोटू की मोटू नाम था उस कुत्ते का, उसको मोटू नाम था, मोटू को अपने कंट्रोल में करती है। उतने में अंदर से बुजुर्ग सी लेडी आती है, वो ऐसा देख करके कुछ अपने भाषा में बोलती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। एक बुड्ढे से अंकल भी आकर के देखते हैं, मैं नमस्ते करता हूँ, अर्पण ऐसा करके मैं बोलता हूँ। और उतने में एक हम उम्र लड़की, एक 25-26-27 साल की लड़की एक आती है, वो बोलती है कि हेलो। मैं बोला कि हाय मेरा नाम अभय है, मैड नो मैड हूँ मैं, और मुझे यहाँ पर प्रेम ने भेजा है अर्पण से मिलने के लिए, अर्पण यहाँ पर ही रहता है। तो वो बोलती ओके आप अर्पण से आए, अर्पण क्यों मिलने को आए, कम करके वो मुझे घर पे लेकर के चले गई। अब उसको ऐसा लग रहा है कि मैं अर्पण को जानता हूँ, अर्पण का मैं दोस्त हूँ, अर्पण और मैं एक दूसरे के दोस्त हैं। वो लड़की मुझे घर के अंदर लेकर के चले गई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अरे मैं कैसे रिएक्ट करूँ, मैं कैसे बोलूँ कि मैं दोस्त तो नहीं हूँ, मैं तो जानता भी नहीं हूँ, मेरे को तो किसी ने बताया और मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, उसको आया हूँ यहाँ पर। फिर अर्पण था नहीं घर में, ऐसा करके 1/2 घंटा हो गया, उन्होंने चाय वगैरह वो सब लेकर के आ गया। अब मैं चाय नाश्ता ऐसा लेकर के आ दिया है, मैं मंच कर रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, उतने में अर्पण आता है। अर्पण ऐसा देख रहा है मुझे, मैं ऐसा खाते खाते देख रहा हूँ अर्पण को,
मैं बोलता हूँ अर्पण, तो वो बोलता है तो ऐसा तो देख रहा है, मैं बोलता तो मैं उठ कर खड़ा होता हूँ कि हाय ब्रदर द मैड नो मैड ब्रो, तो ऐसा देख रहा है मतलब कि अभय, अभय नाम है, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, मैं तो घूमते घूमते युमथांग गया था, वहाँ पर प्रेम भाई मिले, प्रेम भाई ने बोला कि आपके पास जाने के लिए आपका आप फ्लोरिस्ट हो, आपकी और मेरी जमेगी, आप लोग घूमेंगे, तो नंबर वंबर तो लग नहीं रहा था, कुछ है नहीं, तो इसके लिए अपन यहाँ पर आ गया, वो भी बहुत ढूंढे ढूंढे पहुँचा, और ये मम्मी लोग ने दीदी लोग ने मेरे को अंदर ही ऐसा बिठा दिया घर में, तो बोलते अरे ब्रो सिट 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 ईट, मेरी तो फटली थी क्योंकि अर्पण का जो लुक्स था वो ऐसा बाल पीछे बड़े बड़े ऐसे साइड साइड से मुच्छी आई है, तो मेरे को लगा कि ताई ची एक अबू किक मेरे मुंह पे है धपाक करके, कौन है रे गांडू तू कहाँ से आया घर के अंदर लाइव सीन, पर टोटली डिफरेंट, वो बोला कि हाँ सिट सिट ब्रदर ईट, खाया फिर डिनर हो गया, हम लोग थोड़ा वॉकिंग पे गया, मैंने ऐसा बताया कि हाँ मैं मुंबई में ये करता हूँ, रेडियो में काम करता हूँ, मैं तो घूम रहा था, मैं जेटन से मिला, मैं वहाँ पर प्रेम से मिला, प्रेम युमथांग, तो बोला कि अच्छा प्रेम युमथांग में जीरो पॉइंट पे, बोला हाँ जीरो पॉइंट पे, तो ऐसा हो गया, मैं सॉरी ऐसा आ गया, तो बोला अरे कोई बात नहीं इट्स ओके, ऐसा करके फिर घर पे गए तो डिनर हुआ, बोले कि आप नॉनवेज खाते हो, बोले कि नॉनवेज तो नहीं वेजिटेरियन हो, तो वेजिटेरियन कुछ बना करके रखा था, वेजिटेरियन मैंने खाया, सो गया, सवेरे उठा तो अर्पण कुछ काम से चला गया था, उसने बताया कि अभी वो फूलों का धंधा उन्होंने बंद कर दिया था फूलों का, अर्पण थोड़ा रिलैक्स कर रहा था, और ये जो जो अर्पण की दीदी थी जो मेरी उम्र की थी 27-28 की थी, वो मेरे से एक दो साल बड़ी, उनका नाम था बबीता, और फिर सवेरे सवेरे जब अर्पण चला गया था तो बबीता ने बोला कि मॉनेस्ट्री घूमना है, मैं बोला कि यस घूमना है, अब मुझे पता नहीं ये मॉनेस्ट्री बहुत फेमस मॉनेस्ट्री है, अभी मुझे नाम तो नहीं पता, आई एम सो सॉरी, बट वो मॉनेस्ट्री हम घूमने को गए मॉर्निंग वॉक पे, उसने मुझे पूरा मॉनेस्ट्री घुमाया, वो मेरे ब्लॉग्स में है, ऐसा जो फ्लैग्स बंधे रहते हैं, मैंने पूछा कि ये फ्लैग्स क्यों बांधते हैं, ऐसा टिबेटन जो फ्लैग्स बुद्धिस्ट फ्लैग्स ऐसे लटक रहे होते हैं मॉनेस्ट्री में, वो बोलते हैं कि ऐसा मन्नत मांगते हैं और बांधते हैं, पूरी हो जाती है तो ऐसा करते हैं, तो इसके लिए ये फ्लैग्स होता है करके, तो मैं बोला ओके, तो ऐसा करके मॉर्निंग वॉक हुआ, उसके बाद में दोपहर का लंच हुआ, और फिर उसके नहीं मॉर्निंग वॉक के बाद में अर्पण आया, अर्पण के साथ में मैं थोड़ा जंगल विजिट पे गया, जंगल वगैरह घूमा, उसके बाद में हमारे बोले कि क्या प्लान है क्या करना है, तो अर्पण बोला कि यहाँ पर तो ऐसा सब है कि तू रुक सकता है और रुकना है तो, और बट ऐसा चाहिए तो दार्जिलिंग भी जा सकता है, यहाँ से पास में दार्जिलिंग और अच्छा भी रहेगा, तो मैंने दार्जिलिंग का मैंने वो परिणीति फिल्म शायद थी, मैंने परिणीति फिल्म देखी नहीं, वो परिणीति फिल्म जिसमें विद्या बालन शायद थी, सैफ अली खान था, और उसमें एक गाना था टारा ने री रा री री रा रा मा वा 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 ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ मैं हूँ फूलों में कलियों में रा रा री री रा, तो ये आला, तो ये ऐसा सुनने में आया था दार्जिलिंग का वो सीन है जो टॉय ट्रेन चल रही है जो ऐसा सब है, तो मुझे वो गाने में देखा था दार्जिलिंग, मैं बोला कि दार्जिलिंग सही लग रहा है, तो क्या सीन है, तो वो बोला कि रुक जा मेरे डैडी पता करके बताएंगे, उसके डैडी ने पता करके बताया किसी को फ़ोन लगा करके टैक्सी वाले को, बोला कि कुछ 800 रुपीज़ या ऐसा कुछ लेगा और वो यहाँ से या दार्जिलिंग उतार देगा, मैं बोला वाओ वेल एंड गुड, लंच किया हमने, मैंने वो अर्पण की जो बुढ़ी सी लेडी आई थी वो अर्पण की मम्मी थी, जो बुजुर्ग से अंकल आए थे वो अर्पण के डैडी थे, जो वो जो थी बच्ची उसके साथ में मैंने बहुत मस्ती किया, जो 13-14 साल की थी, जो कुत्ते को मोटू को बचा के रख रही थी, क्योंकि मोटू जो था वो तड़ता एक टांग ऊपर करके कुत्ता ऐसा अपना काम को खुजा रहा है, फिर थोड़ी देर बाद ऐसा हो जा रहा है ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होकर बचा कर रहा है, फिर थोड़ी देर में टर कर रहा है, तो मैं जितने बार तड़ कर रहा हूँ तो उतने बार वो कर भी रहे हैं, ऐसा हो गया, तो हमने बहुत मस्ती की थी, बाद में मैंने बैग वैग पैक किया, उसके डैड ने बोला कि अभी आ रहा है वो टैक्सी वाला आ रहा है, बैग पैक किया और मैं चला गया, पर ये आपने कितने बार किसी अननोन को, वो भी ऐसे शक्ल वाले अननोन को अपने घर में बिठाया है, आपने कितने बार किसी को आसरा दिया है, एक घर में नौजवान बच्चे हैं, वो खुद यंग लड़के लड़कियां हैं और बच्चियां भी है बुजुर्ग भी है, मैं कौन हूँ अननोन हूँ, मैं कहाँ का हूँ, मैं क्रिमिनल भी हो सकता हूँ, शक्ल पे थोड़ी ना लिखा होता है किसी के कुछ चीज़, बट वो इतना प्रेम कर रहे हैं, वो हाथ से पका करके खिला रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि और दिन रुक जा, वो हैप्पी है, बोले कि वी आर वेरी हैप्पी टू मीट यू यू स्टे मोर, वो डैडी उनकी अपने भाषा में ऐसा बोल रहे हैं, मैं बोला मैंने ऐसा पैर भी छुआ, मैंने उनके मैं ब्लेसिंग्स लेता हूँ पैर छू करके, क्योंकि ब्लेसिंग्स है यार ये कमाए हैं ब्लेसिंग्स घूम घूम करके लोगों से मिल करके, ये ज़रूरी है, तो मैं ब्लेसिंग लिया उनके और थैंक यू बोल करके मैं चला गया, तो इतना प्यारा ये नॉर्थ ईस्ट मैं जो आगमन रहा, तो इतना प्यारे प्यारे एनकाउंटर्स रहे, बट आगे जाकर के क्या होने वाला है, दार्जिलिंग में क्या सीन होगा,
पैंथर अटैक भी होगा सीरियसली, और उसे एक सीख भी मिलेगी। द मैड नोमैड आगे कहानी में आपको बताएगा। अभी के लिए यहाँ से चलिए, थोड़ा सा रिस्की जोन से निकलिए। हाँ जी, द मैड नोमैड। नदी पार।